हेलो गाइज, मैं सोनू कुमार यादव, मिशन 10 मिलियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो है व्हाट्सएप पे आधारित। व्हाट्सएप एप्लीकेशन पे अगर यदि आपको कोई ब्लॉक कर दिया है, आप उसे कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स या स्टडी मटेरियल आप उसे प्रोवाइड करना चाहते हो और नहीं कर पा रहे हो और चाहते हैं कि आप अपने नंबर के माध्यम से ही आप उसे जो है प्रोवाइड करें, स्टडी मटेरियल या कुछ भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स या रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो व्हाट्सएप के थ्रू कि आप अनब्लॉक कर दो, तो कई रास्ते हैं। लेकिन व्हाट्सएप टेक्निकल माध्यम से भी एक रास्ता है जिसके माध्यम से जो है वो यदि आपको ब्लॉक भी कर दिए तब भी आप उनको मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो वो क्या रास्ता है सबसे पहले हम लोग देखेंगे। जैसे कि मैं अभी किसी को ब्लॉक कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं अभी किसी को ब्लॉक कर देता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं स्क्रॉल अप डाउन कर रहा हूँ। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए कि मैंने इस नंबर को ब्लॉक करना चाहता हूँ या फिर इसी तरीके से आपको कोई ब्लॉक कर दिया है, तो यहाँ इस 3 डॉटेड लाइन पे जा कर के मोर में जा कर के और कोई यहाँ से ऐसे ब्लॉक कर दिया है, जैसे मैं अभी इनको ब्लॉक कर दिया, तो अब भी ये जो भी मैसेज मुझे भेजेंगे मेरे तक नहीं आ पाएगा। और आपको सेम इसी तरीके से किसी ने ब्लॉक कर दिया है तब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए एक तरीका है। मैं वापस से इनको अनब्लॉक कर देता हूँ। मैंने बस ब्लॉगिंग करके बताया कि आपको कोई ब्लॉक कर दिया है तो क्या होगा। तो सबसे पहले आप व्हाट्सएप में सबसे फर्स्ट आइकन पे आ जाइए। आप जो है व्हाट्सएप स्टार्टिंग होता है, इसमें 3 गैलरीज बने हुए हैं, चैट, स्टेटस, कॉल्स और ये 3 डॉटेड लाइन जो मैं अभी करके दिखाया। तो इसमें सबसे नीचे ये जो दिख रहा है ये मैसेज सिंबल, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये दिखाता है कि कितने नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स आप में सेव्ड हैं, तो आप वो देख लिए। अब आपको यहाँ से क्या करना है कि एक ग्रुप बना लेना है, न्यू ग्रुप आप कर लीजिए और उसमें जिसको भी आप ब्लॉक किए हुए हैं उसको तो आप यहाँ से ऐड भी नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप ऐड करने के लिए कोशिश करेंगे तो वो ऐड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जैसे एक नंबर मुझे ब्लॉक कर रखे हैं तो वहाँ पे जैसे ही आप आते हैं तो अनब्लॉक मतलब दिस नंबर कुड नॉट बी एडेड, इस तरह का आपको नोटिफिकेशन मिलता है व्हाट्सएप की तरफ से। तो आप कैसे ऐड करेंगे, तो आप क्या करें कि ऐसे किसी एक नंबर को ऐड कर लें जो आपको भी और उनको भी जानते हो, जिनको जो कि आपको ब्लॉक कर रखे हैं, और वो दोनों को ऐड करें। आप तो ऐड हो ही जाएगा या फिर आप तो अपना ग्रुप बना रहे हैं तो आप एक फ्रेंड को ऐड कीजिए जो दोनों को जानते हैं। जैसे मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ये ऐड हो गए। और यहाँ पे टाइप ग्रुप सब्जेक्ट हेयर, तो यहाँ कुछ भी आप जो है ऐसे मैं इस तरह से कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसे सही टिक कर दिया। तो अभी 2 लोग इसमें इस ग्रुप में हैं, ठीक है। और अब आपको क्या करना है कि इस 3 डॉट लाइन पे क्लिक करके ग्रुप इन्फॉर्मेशन सबसे फर्स्ट टाइप लाइन पे क्लिक करके आपको यहाँ से क्या करना है कि जो एक फ्रेंड को आपने ऐड कर रखा है उनके आइकन पे टिक आउट करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है मैसेज अब है, व्यू अब है नाम है फ्रेंड का जो आपका कॉन्टैक्ट नेम है, व्यू अब है में ग्रुप एडमिन, आप यहाँ से क्या करें ग्रुप एडमिन बना दें, ठीक है।
अब जैसे ही आप इन्हें ग्रुप एडमिन बना दिए तो ये किसी को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको बोलिए कि वो यहाँ इस आइकन पे वो अपने मोबाइल ऑप्शन में जा करके इस ग्रुप में जा करके और ऐड पार्टिसिपेंट्स में जा करके और सर्च करके उस नंबर को ऐड कर लेंगे जिनको आपको मैसेज करना है, जो आपको ब्लॉक कर रखे हैं। और वो जैसे ही सही पे टिक लगा करके ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद फिर आप क्या कीजिए कि ग्रुप एडमिन चूँकि आप हैं तो या तो वो खुद ग्रुप से ये अभय रिशु फ्रेंड नाम का जो कांटेक्ट जिसको मैंने ऐड कर रखा है, जिनको मैंने ग्रुप एडमिन बनाया और फिर वो उनको ऐड किए जिनको मुझे मैसेज करने थे जिन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है, तो ये खुद भी जा कर के अपना रिमूव हो सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं, उनको एग्जिट का ऑप्शन आएगा, वो एग्जिट हो सकते हैं। तो जैसे ही वो एग्जिट होंगे तो या फिर आप खुद से उन्हें इस ऑप्शन में आकर के डिसमिस एज एडमिन कर देंगे पहले, और उसके बाद फिर क्या कर लेंगे, डिसमिस एज एडमिन कर दिया मैंने पहले, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इनको इस के ऊपर क्लिक करके अब रिमूव कर देंगे। तो जैसे ही रिमूव करेंगे तो दो व्यक्ति बच जाएंगे इसमें, ठीक है। ये दो व्यक्ति बच जाएंगे, ये कौन कौन, एक आप और एक वो जिन्होंने पहले से आपको ब्लॉक कर रखा था। तो यहाँ पे यू केवल शो कर रहा है, इसलिए कि मैंने तो सिर्फ मौखिक रूप से आपको बोल रहा हूँ, मैंने ऐड करके दिखाया नहीं, ठीक है। लेकिन आप ये निश्चित रूप से निश्चिंत रहें, ये पक्का इन्फॉर्मेशन है, आप ऐसा कर सकते हैं। और फिर जो आप मैसेज करेंगे तो वो आपको देख पाएंगे, ठीक है। कोई भी आप जब मैसेज करेंगे तो उनके मोबाइल में वो डबल टिक हो करके आए, आपको यहाँ डबल टिक दिखाई देगा जो कि ब्लॉक होने पर सिंगल टिक, जैसे अभी सिंगल टिक दिख रहा है, इसलिए सिंगल टिक दिख रहा है क्योंकि केवल ग्रुप एडमिन मैं हूँ और केवल मैं ही इसका सदस्य हूँ। तो ये वो इस भेजेगा किसको, मैसेज तो किसी को नहीं जा रहा, सेल्फ रह रहा है, इसलिए ये सिंगल ही दिख रहा है। लेकिन जब वो ऐड कर इस माध्यम से जो है आप और वो केवल रह जाएंगे, और फिर आप कोई भी डॉक्यूमेंट को आप जो है इस अटैचमेंट से डॉक्यूमेंट आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उनको सेंड कर सकते हैं। तो ये था तरीका कि आपको जब भी कोई ब्लॉक कर दिया हो और कोई डॉक्यूमेंट ज़रूरी डॉक्यूमेंट आप चाहते हो कि सेंड कर दें तो इस तरीके से भी सेंड कर सकते हैं, ये एक तरीका है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी जो है किसी भी प्रकार के गुड ग्रुप्स के में ऐड ना करें, इसलिए आप एक सेटिंग कर लीजिए, थ्री डॉटेड लाइन पे क्लिक करके उसके बाद सेटिंग ऑप्शन में जा करके अकाउंट प्राइवेसी सिक्योरिटी चेंज नंबर में जाएंगे, वहाँ से प्राइवेसी में जाएंगे, प्राइवेसी में जाने के बाद आप ग्रुप्स में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, हु कैन ऐड मी टू ग्रुप्स, एवरी वन, माई कॉन्टैक्ट्स, नोबडी, ठीक है। एवरी वन से यानी कि इस पर टिकआउट है पहले से, यानी कि कोई भी आपको ग्रुप में ऐड कर सकता है, बस उसके पास आपका नंबर होना चाहिए। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर में सेव हो या ना हो, या आपके कॉन्टैक्ट नंबर में उस ग्रुप एडमिन का नंबर सेव हो या ना हो, या आप दोनों एक दूसरे को परिचित हों या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जब इस एवरीवन के आइकन पे टिक रहेगा आपका सेटिंग तो कोई भी आपको ग्रुप में ऐड कर लेगा। वैसे ही सेम एक दूसरा ऑप्शन है माय कॉन्टैक्ट्स, जैसे ही माय कॉन्टैक्ट्स पे आप टिक आउट करके सेट यहाँ डन कर देते हैं, नीचे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे नीचे दिख रहा है डन, तो आपको वही लोग किसी भी प्रकार के ग्रुप्स में ऐड कर सकते हैं जो आपके माय कॉन्टैक्ट्स में हैं, जो कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप सेव कर रखे हैं जिनका नंबर। तो जब वो ग्रुप एडमिन रहते हैं या वो खुद अपना ग्रुप क्रिएट करते हैं या कोई उन्हें एडमिन बना लेता है किसी ग्रुप का, तो वो आपको ऐड कर लेंगे। तो लोग इस तरह से भी करता है कि जब कोई अपना ग्रुप्स क्रिएट करता है तो इस तरह से जब किसी से आप नोकझोंक हुआ रहता है या कब किसी से बातचीत नहीं होता है और आप चाहते हैं कि वो बंदा भी आपके ग्रुप में शामिल हो जाए, आपके ग्रुप्स के अकॉर्डिंग वो अच्छा है, तो आप इस तरह से ही
फ्रेंड्स वगैरह को बोल बोल करके ग्रुप्स में ऐड करवाते हैं, जिनसे दोस्ती रहती है आप उनको जो है एडमिन बना लेते हो और उनको ऐड करवा लेते हो, फिर बाद में आप उनको एडमिन से डिस्कार्ड भी कर देते हो, आप उन्हें एडमिन से हटा भी देते हो, फिर इस तरह से सारे लोग जुड़ जाते हैं। क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जैसे कि वो बंदा आप जुड़ना जो चाहता है लेकिन आप बोलना नहीं चाहते हो, उसको डायरेक्ट भी बोल करके जोड़ सकते हो, उसके मन में कोई आपके प्रति ये ज़्यादा परेशानी नहीं है आपको लेकर के, और फिर भी आप चाहते हो कि बिना बोले ही आप लोग एक ग्रुप्स में ऐड हो जाएं, तो ये एक तरीका है। वैसे तो लोग जब भी कोई आपको सोच ले कि नहीं हमें किसी भी प्रकार से कोई दोस्ती नहीं रखनी या कोई संबंध नहीं रखना कोई भी मीडिएटर के माध्यम से भी, तो वो तो आपको ब्लॉक कर सकता है, आपको इजेक्ट कर सकता है, अपने आप को रिमूव कर सकता है, बहुत सारे टेक्निकल ऑप्शन हैं जो आप कुछ भी कर लीजिएगा तब भी वो आपको आपसे नहीं जोड़ पाएगा। लेकिन फिर भी एक जानकारी के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ, छोटे छोटे जानकारियाँ कभी कभी काम आ जाते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती, परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, तो सारे प्रकार के विकल्प आपको जानने चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है नोबडी। नोबडी कहने का मतलब है कि कोई भी नहीं, चाहे वो आपको जाने न जाने, कोई भी किसी भी प्रकार का आपको ग्रुप एडमिन आपको ग्रुप्स में ऐड नहीं कर सकता है। तो मैं नोबडी करके रखता हूँ क्योंकि मुझे किसी भी प्रकार के ग्रुप्स में ऐड होने का दिलचस्पी नहीं है, मैं इसे डन कर देता हूँ। तो ये था, साथ ही आप जान जाएं कि आपको नंबर चेंज करने हैं या स्टेटस, आप जो स्टेटस डालते हो उसे कौन कौन देखे, हु कैन सी माय स्टेटस अपडेट्स, तो माय कॉन्टैक्ट्स ओनली जो आपके कॉन्टैक्ट में सेव हैं, या ओनली शेयर विथ, आप सेलेक्टेड लोगों को चुन सकते हैं जो वही लोग आपके जो है सो कि यहाँ पे जैसे इस तरह से ऐसे ऐसे सेलेक्ट करके आप टिक कर दीजिएगा, तो वही जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रहा है आपको 6 कॉन्टैक्ट सेलेक्टेड, तो यही सिर्फ 6 लोग ही आपके स्टेटस को देख सकते हैं। और जैसे ही आपने इस पर टिक कर दिया तो एक साथ सारे कॉन्टैक्ट सेलेक्टेड हो गए, अब आपके जो है सारे कॉन्टैक्ट्स इसको देख सकते हैं, तो सारे का टिक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, आप जो है माय कॉन्टैक्ट एक्सक्लूसिव्ड, यानी कि ये है कि ये इन लोगों को छोड़ करके आप चाहते हो कि आप सामने किसी से आपको नोकझोंक हो गया है और आप चाहते हो कि वो आपका स्टेटस नहीं देखे, उसको छोड़ करके बाकी सब लोग देखे, तो इस ऑप्शन में जा करके उनको आप इस तरह से जैसे इतने रेड टिकआउट हो रहे हैं, यानी कि इतने 4 कॉन्टैक्ट्स को मैंने एक्सक्लूडेड कर दिया है, यानी कि ये चार लोग मेरे स्टेटस को नहीं देख पाएंगे। उसके बाद है ओनली शेयर विथ, तो मैंने बता दिया, तो आप जो है इन लोगों के साथ केवल शेयर कर सकते हैं, बाकी कोई आपको नहीं देखेंगे। एक तो ये सारे देखेंगे, एक है कि आप कौन कौन नहीं देखेंगे तय कर लें, और एक तो ये कि आप चुन लें कि कौन कौन देखेंगे, इस तरह से हो गए। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए इसमें, चेंज नंबर में भी आप जो है सो कि चेंज नंबर कर सकते हैं, ओल्ड नंबर यहाँ डाल करके और उसके बाद न्यू फ़ोन नंबर जो आप व्हाट्सएप नंबर बदलना चाहते हैं तो इस तरह से यहाँ से बदल सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।